जय हिंद। प्राइम मिनिस्टर की बातचीत आज से अपन शुरू कर रहे हैं। इससे पिछले वाले सेशंस में हमने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात की थी। होपफुली वो सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के बारे में आज अपने को दो तीन चीज़ें पढ़नी है। एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किस तरीके से किया जाता है। दूसरा, ओथ टर्म एंड सैलरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इस पर भी आज अपन बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसको भी इसकी ज़रूरत है। अच्छा, आज की बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ किया, और हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट इज़ दी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट इज़ दी डी जूरी एग्जीक्यूटिव। किताब में अगर देखेंगे तो प्रेसिडेंट बेहद पावरफुल नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रेसिडेंट को कोई भी पावर नहीं दी गई है। प्रेसिडेंट काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे। एक्चुअल पावर कोई भी नहीं दी गई है हमारे प्रेसिडेंट को। हालांकि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, लेकिन जब पावर की बात आती है तो एक्चुअल पावर दी गई हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को। अगर थोड़े और सही शब्दों में कहें तो एक्चुअल पावर लाई करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के पास में। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर इज द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे किसको बनाया गया? प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया। यूएस के प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो यूएस का प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। बेहद पावरफुल होता है यूएस का प्रेसिडेंट, लेकिन हमारा प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट तो होता है लेकिन पावर कोई भी नहीं है उसके पास में। एक्चुअल पावर किसको दी गई है? प्राइम मिनिस्टर को दी गई है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसे बनाया गया है? प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया। और इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का दूसरा नाम है प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। और अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की, तो सबसे पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हम प्राइम मिनिस्टर के लिए डायरेक्टली वोट नहीं डालते हैं, हम डालते हैं लोकसभा के मेंबर्स के लिए। और जो भी लोग लोकसभा में जीत के जाते हैं, वो जिस इंसान को सपोर्ट करते हैं, वो आदमी बन जाता है प्राइम मिनिस्टर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से अपॉइंट करना है, प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से सेलेक्ट करना है, उसका कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं किया गया है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर सेलेक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 75 क्लॉज 1, जो कि ये कहता है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और आगे कहता है एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अदर मिनिस्टर्स की बातचीत अपन अगले सेशंस में करेंगे, आज अपन बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की। और 75 का क्लॉज 1 क्या कह रहा है? द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा हुआ है, और प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रेसिडेंट को कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशंस हैं जिन पर अपन ने बात की हुई है, आज भी थोड़ा बहुत करेंगे। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, लोकसभा के इलेक्शन में जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी, उस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर। बेहद सिंपल है। हाँ, प्रेसिडेंट को कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशंस हैं जहाँ प्रेसिडेंट को अपना दिमाग लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, लोकसभा का इलेक्शन हुआ और किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है, किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो प्रेसिडेंट को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब प्रेसिडेंट देखेंगे कि लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है। लार्जेस्ट पार्टी इन द सेंस कि किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी तो नहीं मिली है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीट्स किस पार्टी को मिली हैं, या फिर कोएलिशन कोई अगर एग्जिस्ट करती है, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज ने कोई गठबंधन बना लिया है और ऐसे सिचुएशन में है कि मेजॉरिटी प्रूव कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट इस कोएलिशन के लीडर को या इस लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को इनवाइट करेंगे, अपॉइंट करेंगे इस प्राइम मिनिस्टर, और बोलेंगे कि मेजॉरिटी प्रूव करो और बने रहो प्राइम मिनिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हुआ भी हमारे कंट्री में 1979 में। प्रेसिडेंट हुआ करते थे नीलम संजीवा रेड्डी, और इन्होंने अपॉइंट किया चौधरी चरण सिंह को। चौधरी चरण सिंह जो कि कोएलिशन के लीडर थे, इनको अपॉइंट किया गया एज प्राइम मिनिस्टर। और ये बात हो रही है 1977 के बाद वाले इलेक्शंस की। 1977 का इलेक्शन हुआ, इमरजेंसी के बाद का इलेक्शन था, अपने आप में रोचक इलेक्शन है, पढ़ने का विषय है। पहली बार कांग्रेस को हराया गया, जनता पार्टी पावर में आई, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन कुछ टाइम के बाद मोरारजी देसाई को जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, जो पार्टी सपोर्ट कर रही थी,
उनमें से कुछ ने अपना समर्थन खींच लिया और फिर चौधरी चरण सिंह कोएलिशन के लीडर थे, इनको अपॉइंट किया गया एज प्राइम मिनिस्टर। ये भी बहुत लंबे टाइम तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन हाँ बने, कोएलिशन के लीडर थे। दूसरा सिनेरियो जहां पे प्रेसिडेंट को अपना दिमाग लगाना पड़ता है, व्हेन प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाई सडनली, प्राइम मिनिस्टर एक्सपायर हो जाए एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, और कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है, तो वहां पे प्रेसिडेंट देखेंगे कि यार ये जो आदमी है ये मेजॉरिटी प्रूव कर सकता है, इसको इन्वाइट किया जाए, इसको अपॉइंट किया जाए एज प्राइम मिनिस्टर। ऐसा हुआ भी 1984 में, इंदिरा गांधी जी को जब असैसिनेट कर दिया गया तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे जेल सिंह, प्रेसिडेंट जेल सिंह ने राजीव गांधी को अपॉइंट किया एज प्राइम मिनिस्टर, और फिर बाद में कांग्रेस ने उनको सपोर्ट दिया है, मेजॉरिटी उन्होंने प्रूव कर दी और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने रहे। इससे पहले पता है क्या होता था, इससे पहले एक चलन सा था कि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहते हुए एक्सपायर हो गया तो जो भी सीनियर मोस्ट मिनिस्टर है उसको टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता था। फॉर एग्जांपल, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सपायर हुए, लाल बहादुर शास्त्री ऑफिस में रहते हुए एक्सपायर हुए, तो बड़ा सिंपली प्रेसिडेंट ने क्या किया, टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए सीनियर मोस्ट मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर की तरह से अपॉइंट कर दिया, उतने टाइम पीरियड के लिए जितने टाइम पीरियड में जो पार्टी मेजॉरिटी में वो डिसाइड करे कि किस आदमी को फाइनली प्राइम मिनिस्टर बनाना है। टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए सीनियर मोस्ट मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता था, और इन दोनों के केस में ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू के केस में और लाल बहादुर शास्त्री के केस में, एक ही आदमी सीनियर मोस्ट मिनिस्टर था, उसको अपॉइंट किया गया, और वो थे गुलजारी लाल नंदा। लेकिन हाँ, जब बात आई राजीव गांधी की तो प्रेसिडेंट जयल सिंह ने डायरेक्टली इनको अपॉइंट कर दिया, बाद में इन्होंने अपनी मेजॉरिटी भी प्रूव की और ये प्राइम मिनिस्टर बने रहे। 1980 में दिल्ली के हाई कोर्ट ने यह कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर अ पर्सन टू प्रूव मेजॉरिटी बिफोर अपॉइंटमेंट एज प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहीं नहीं लिखा हुआ कि पहले मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने 1980 में कहा। बड़ा सिंपल है, पहले अपॉइंट कर दो और उसके बाद उनको रीजनेबल टाइम दे दो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए। रीजनेबल टाइम का मतलब ये नहीं है कि 4-6 महीने दे दिए, रीजनेबल टाइम मतलब 15-20 दिन या एक महीने का टाइम दे दो तकरीबन, और उनको बोल दो कि भाई अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो, अगर मेजॉरिटी प्रूव कर दोगे तो प्राइम मिनिस्टर बने रहोगे, अगर नहीं कर पाओगे तो सरकार गिर जाएगी, प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो जाएगी आपकी। ऐसा हुआ भी, जैसे चरण सिंह 1979 में इनको अपॉइंट किया गया, वीपी सिंह 1989 में इनको अपॉइंट किया गया और बाद में इन लोगों ने अपनी मेजॉरिटी प्रूव की, चंद्रशेखर 1990 में अपॉइंट किए गए, पीवी नरसिम्हा राव 1991 में, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में। और 1996 के बाद की तो 2-3 साल की कहानी ही बड़ी अजीब है, पढ़ने लायक है। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में अपॉइंट किए गए, फिर देवगौड़ा साहब 1996 में अपॉइंट किए गए, फिर आई के गुजराल साहब 1997 में अपॉइंट किए गए, फिर दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में अपॉइंट किए गए। सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, चल रहा है, ये खूब हुआ। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जरूर कह दिया कि जरूरी नहीं है कि पहले इंसान अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो सकता है, पहले अपॉइंट कर दो और फिर रीजनेबल टाइम दे दो उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, द पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर फॉर 6 मंथ्स। कोई ऐसा इंसान जो कि ना लोकसभा का मेंबर है और ना राज्यसभा का मेंबर है उसको प्राइम मिनिस्टर की तरह से अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। विद इन 6 मंथ्स ये आदमी या तो लोकसभा का मेंबर बन जाए या राज्यसभा का मेंबर बन जाए तो कंटिन्यू कर सकता है एज प्राइम मिनिस्टर। अगर 6 महीने में ये किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनता है तो इसकी प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो जाएगी। और जनरली होता यह है कि राज्यसभा में इन लोगों को नॉमिनेट कर दिया जाता है, ऐसा कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर आता है तो, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मे बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी मेंबर होना ही पड़ेगा अगर प्राइम मिनिस्टर बने रहना है तो। ऐसा ब्रिटेन में नहीं है, ब्रिटेन में बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम लोअर हाउस, उनका जो लोकसभा है उनका जो लोअर हाउस है उसका ही हिस्सा होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे भले लोकसभा का हिस्सा हो भले राज्यसभा का हिस्सा हो कोई दिक्कत नहीं है, राज्यसभा में रहते हुए भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए, जैसे इंदिरा गांधी को अपॉइंट किया गया था, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपॉइंट किया गया था, जैसे देवगौड़ा साहब को अपॉइंट किया गया था, ये राज्यसभा के मेंबर्स थे जब ये प्राइम मिनिस्टर बने।
और ये बात हुई प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की। अगर फटाफट से रिवाइज करें तो अपन ये बात कर रहे हैं कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दिया होगा प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन से रिलेटेड। आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से किसी को भी अपॉइंट नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे उस आदमी को जिसकी पार्टी को मेजॉरिटी मिली है लोकसभा के इलेक्शन में, बहुत सिंपल। फिर उसके बाद अपन ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि जरूरी नहीं है कि पहले मेजॉरिटी प्रूव की जाए उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा, पहले अपॉइंट कर दो और उसके बाद एक रीजनेबल टाइम पीरियड दे दो मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया गया अपन ने देखा। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा इंसान जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। विद इन 6 मंथ्स या तो इसको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, अदरवाइज प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो जाएगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ वही आदमी बन सकता है जो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का मेंबर है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में ये मस्ट है कि लोअर हाउस का ही मेंबर होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। और इसके बाद बात आती है ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के क्लॉज 4 में लिखा गया है कि किसी भी इंसान को अगर मिनिस्टर की तरह से अपॉइंट किया जाएगा तो पहले उसको ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी दिलाई जाएगी। और प्राइम मिनिस्टर भी एक टाइप के मिनिस्टर ही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी कौन दिलाता है, कौन एडमिनिस्टर करता है? बहुत सिंपल, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। अच्छा, एक चीज़ और, हमने शेड्यूल्स पढ़े हुए हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हो कि किस शेड्यूल में बात की गई है मिनिस्टर्स के ओथ के बारे में, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत सिंपल, प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिला रहे हैं? प्रेसिडेंट दिला रहे हैं। अच्छा, ओथ ऑफ सीक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर या बाकी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो ये ओथ लेते हैं कि हमारे ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाएगी हम उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी को रिवील नहीं करेंगे, किसी को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट एज मे बी रिक्वायर्ड। जितना जरूरी है, जितना रिक्वायर्ड है उतना इंफॉर्मेशन रिवील की जाएगी, अदरवाइज हम किसी भी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी को रिवील नहीं करेंगे, किसी को कम्युनिकेट नहीं करेंगे। और ओथ ऑफ ऑफिस क्या है प्राइम मिनिस्टर की? ओथ का एक एक शब्द याद नहीं रखना, लेकिन एक बार देख लेते हैं। टू बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति पूरा भरोसा। टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे। टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के सभी ड्यूटीज़ को पूरी ईमानदारी के साथ फुलफिल करेंगे। और चौथा, टू डू राइट इन ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ विदाउट फियर और फेवर अफेक्शन और इलविल, सभी लोगों के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग सही करेंगे, किसी को फेवर नहीं करेंगे, किसी से डर की वजह से या अफेक्शन की वजह से, फेवर की वजह से, इलविल की वजह से किसी के साथ में कोई फेवरिज्म नहीं किया जाएगा, सबको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत बराबर सही किया जाएगा सबके साथ में। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की ओथ है। लेकिन ये ओथ याद नहीं रखना, सिंपल याद रखो प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिला रहे हैं? प्रेसिडेंट दिला रहे हैं। और हाँ, शेड्यूल जरूर देख लेना, शेड्यूल पूछ लिया जाता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद बात आती है प्राइम मिनिस्टर के टर्म की, टर्म ऑफ ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर का टर्म टेन्योर कितने टाइम पीरियड का होता है? और ये अपने को पता है कि प्राइम मिनिस्टर का टर्म जो है वो फिक्स्ड नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तब तक रहते हैं जब तक कि वो लोकसभा में मेजॉरिटी सपोर्ट को इन्जॉय करते हैं। कहा यह जाता है कि प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में बैठते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जब चाहें तब प्राइम मिनिस्टर को अपने ऑफिस से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट का अपना विल नहीं है। होता यह है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा में मेजॉरिटी सपोर्ट मिलता रहता है तब तक प्राइम मिनिस्टर बने रहते हैं, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोकसभा का मेजॉरिटी सपोर्ट हटा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है, या फिर अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करते हैं तो प्रेसिडेंट उनको डिसमिस कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट का अपना विल नहीं है, सब कुछ किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? लोकसभा में मेजॉरिटी सपोर्ट है या नहीं है। लेकिन कहते क्या है अपन कि प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और यहाँ गलती मत करना, प्राइम मिनिस्टर का जो टर्म है वो फिक्स्ड नहीं है। आमतौर पर अपन 5 साल लेके चलते हैं दिमाग में, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पहले मेजॉरिटी खत्म हो गई तो पहले सरकार गिर जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर के सैलरी, प्राइम मिनिस्टर के अलाउंसेस के बारे में, तो प्राइम मिनिस्टर को वो सैलरी मिलती है, वो अलाउंसेस मिलते हैं जो कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, एज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट।
जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सैलरी मिल रही है, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अलाउंसेज मिल रहे हैं, वही सारी सैलरी, वही सारे अलाउंसेज प्राइम मिनिस्टर को भी मिलते हैं। हाँ, कुछ एडिशनल चीज़ें मिलती हैं प्राइम मिनिस्टर को, जैसे अ समटरी अलाउंस। समटरी अलाउंस मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास में विजिटर्स आते हैं, मिलने वाले लोग आते हैं, और इन विजिटर्स की चाय पानी पर खर्चा होता ही है, तो इस खर्चे को अपन बोलते हैं समटरी अलाउंस। फ्री अकोमोडेशन, रहने के लिए घर मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह मिलते हैं, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और ये बातचीत हुई आज की अपनी प्राइम मिनिस्टर को लेके। होपफुली ये सब कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।